चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड वीवो के दो एम्प्लॉयज को ईडी ने कर दिया अंदर. इनके ऊपर ईडी एलिगेशंस अगेंस्ट वीवो आर मोर देन 62,000 क्रोर्स इलीगली ट्रांसफर्ड बाय वीवो इंडिया टू चाइना, ऑल ऑफ दिस टू अवॉइड टैक्स पेमेंट्स इन इंडिया. पर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का. इंडिया हैज अ वंडरफुल टीम राइट नाउ, दोस आर लुकिंग आफ्टर द इंडियन इंटरेस्ट. अभी हाल ही में ये पता चला है कि जो वीवो एक जो मोबाइल कंपनी है उसके एग्जेक्टिव्स को इंडिया ने पकड़ लिया. इनके से मोदी जी ने एससीओ का नाम ही चेंज कर दिया. आज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया एस का मतलब कर दिया उन्होंने शांति. भी हमें अपने खित्ते में शांति चाहिए. भारत में कमाई कर 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अवैध तरीके से चीन भेजने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वीवो इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बहुत अच्छा हुआ ईडी, वेरी गुड. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सबको कान से पकड़ के निकालो देश से, ये जितने भी चाइनीज हैं. मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा. मुझे तंग करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं. इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर. देखिए आपका एक एक एक्शन होता है वो पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही होती. और चाइनीज को अगर तंग करना है तो पैसे को कंट्रोल कर लो या तंग कर लो तो चाइनीज की तो चूचू निकलने शुरू हो जाती है उसके बाद. ही ऑल्सो सेज मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घुस के मारूंगा. वो बेचक वो गलवान हो कहीं भी हो, तुम मेरे मारोगे तो मैं पांच गुना जाके मार के आऊंगा. तो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं इनको एंड दैट इज रैटलिंग चाइना. 100% हमारी ये नियत है कि इनको निकालना है आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल. ये पाकिस्तान में कोई भी नई चीज नहीं हुई, वही हो रहा है जो 76 साल से हो रहा है. लोट प्लान चल रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं. और उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस करना या चाइनीज कल्चर है, चाइनीज सिस्टम का हिस्सा है. ये है कि अक्सर जो चाइनीज बिजनेस है उनको इंडिया के अंदर किसी ना किसी चीज में वो पकड़े जाते हैं. चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस उनकी इंडिया में हो रखी हैं. उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इनकी आदत है, इनका कल्चर ही ऐसी. पहले टक्कर नहीं थी चाइना के साथ, आज भारत टक्कर देता है. जो 44 जो ऑफिसेस हैं, ठीक है जी, उन पे जो है वो रेड किए थे. 44 ऑफिसेस जो वीवो के हैं और इसी बात का डर है चाइना को भी. इनके ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का. दोस्तों ऐसी कई चाइनीज कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है, उनको फाइन भी लगे हैं, लोगों को डिपोर्ट भी करा गया है, यहाँ पे हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया है कि तीनों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्होंने 3 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया. चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड वीवो के दो एम्प्लॉयज को ईडी ने कर दिया अंदर. इनके ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का. दोस्तों ऐसी कई चाइनीज कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है, उनको फाइन भी लगे हैं, लोगों को डिपोर्ट भी करा गया है, यहां पे वीवो है. वीवो जाना पहचाना एक चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड है. दो एम्प्लॉयज इस वक्त अंदर हैं. अंदर यानी कि भारत सरकार के खास मेहमान. आज की तारीख में इनको कोर्ट में पेश किया गया और आगे चल के क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन चाइनीज ने बोला है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि हमने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, हम इनसे बात करेंगे, ये हमारे चाइनीज सिटीजन्स हैं, हम इनसे बात करेंगे. और वीवो ने बोला है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हम चैलेंज करेंगे इस पूरे प्रोसेस को. कि चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस उनकी इंडिया में हो रखी हैं. उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इनकी आदत है, इनका कल्चर ही ऐसी है. जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं भारतवासी, मैं उनसे भी कह रहा हूं आप दूसरी नौकरियां ढूंढो भाई. डोंट वर्क फॉर द एनिमी. आप मत करो चाइनीज कंपनीज के लिए काम मत करो. अब हमें एक काम करना है छोटा सा यार, हमें यह काम करना है कि आप किसी भी देश का, आपको एप्पल का फोन खरीदना है एप्पल का खरीदो, सैमसंग का खरीदना है सैमसंग का खरीदो. यार सबसे पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से, स्टॉप बाइंग चाइनीज फोन्स. शी जिनपिंग आज की डेट में ऐसी बातें कर रहे हैं जब इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है. इनकी इकोनॉमी का हालत ये है कि यहाँ पर मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ हमेशा कि यहाँ पर जो मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, वो आप देखिए कि हर 3-4 महीने में दुकानें चेंज हो जाती हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे लोग. एंड नया प्लेयर आ जाता है वो भी 2 महीने में भाग जाता है. जो मॉल्स है वो खाली पड़े हैं. आप यहाँ पे मॉल्स का साइज ऐसा है कि किलोमीटर तक एक एक मॉल है लेकिन 50% से ज्यादा दुकानें बंद हैं. एंड मॉल के अंदर मैं अकेला घूम रहा होता हूँ. कई बार तो ये होता है कि प्राइम टाइम पर ये हालत है कि एक भी आदमी दिखता नहीं आपको. तो ऐसे टाइम पर उनका ये बोलना आप समझ सकते हैं कि जब पिछवाड़े में आग लगी हो तो आदमी ऐसी बातें बोलता ही है. लेकिन जब ये पूरे उसमें जोरों में थे तब इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी. सेकेंडली जब उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की बात करी
मैं आज पूछता चाहता हूँ, देखो मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर चाइनीज कंपनी को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पर कोई भी चीज बाहर से नहीं आ सकती। आज इंडिया से अगर जो माल यहाँ पर आने की अगर कोशिश भी कोई करता है, उसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन है इन्होंने किया हुआ है कि दे डोंट अलाउ। मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे इंडिया की जो मेडिसिन है यहाँ पर नहीं आ सकती, जबकि इंडिया मेक्स मच चीपर मेडिसिन एंड बेटर मेडिसिन देन चाइना ऑल्सो, बट दे अलाउ नहीं करते। तो प्रोटेक्शनिज्म किसने शुरू करी, और आज भी अपनी इकोनॉमी को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एवरी एंगल, वो कौन कर रहा है? सो इनका ये बोलना कि ये प्रोटेक्शनिज्म से बाहर आना चाहिए, शायद वो अपने ही लोगों को बोल रहे होंगे, औरतों को इतना प्रोटेक्शनिज्म करता नहीं है जितना चाइना करता है। तो ऐसा होता नहीं है, इट कैनॉट बी अ वन वे ट्रैफिक। तो इसलिए मोदी जी ने एससीओ की जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी। आपने बोला कि मोदी जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आई वुड से मोदी जी ने एससीओ का नाम ही चेंज कर दिया। आज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया अब एस का मतलब कर दिया उन्होंने शांति। भी हमें अपने खित्ते में शांति चाहिए, भी मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मुझे तंग करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो बड़ी कमजोर पॉलिसी नहीं है कि किसकी? टाइम एंड अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज आस्किंग फॉर पीस फ्रॉम चाइना। अगर देखे ये जो है आस्किंग फॉर पीस, चाइना इज नॉट आस्किंग फॉर पीस, इट्स इंडिया विच इज आस्किंग फॉर पीस। इट इज इसी तरह जैसे पाकिस्तान है विच इज आस्किंग फॉर पीस फ्रॉम इंडिया। तो ये जो हम समझते हैं कि हम जंग नहीं चाहते क्योंकि हम और बहुत सारी चीजों में फंसे हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया भी इज आस्किंग फॉर पीस इज ये वीकनेस है? वैसे तो भारत का डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान का नाम आता है तो दौड़ते हैं, ये कर देंगे, घुस के मारेंगे ये। जब चाइना की बारी आती है तो कह रहे हैं कि नहीं शांति करें, ओम शांति ओम आए, इधर उधर हाथ पांव लगाते हैं। ये जो चीज है इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कई लोग तो इंडियन सियासत में ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी ये बड़ी कमजोरी है और वो ही प्लेज वेरी सॉफ्ट और इतना स्ट्रांग नहीं चाइना के ऊपर खेलते। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट पॉइंट सर? जी मैं साहब, पहली बात ये है कि हम इधर उधर हाथ लगाने वाले लोग नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, मिनते कर रहे हैं, हम वो चटीगढ़ में आते नहीं, ना ही हमें बूट पॉलिश करने की आदत है। पहली बात ये हमारे डीएनए में नहीं है ये। दूसरी बात जो ये बहुत बात कर रहे हैं कि अपोजिशन बोलती है कि बड़ी कमजोर पॉलिसी है मोदी जी की, ये वो लोग हैं जिनके दौर पर चाइना ने हमारा एक कब्जा काफी एरिया के ऊपर कर लिया था, तो इनको बोलने का हक नहीं है वैसे, क्योंकि उन्हीं के दौर पर चाइना ने हमारे काफी एरिया के ऊपर अटैक करने के बाद 62 में इन्हीं की गवर्नमेंट थी, वो इनके फादर थे या नाना थे, को भी थे, इट डजंट मैटर, बट इट वॉज देयर गवर्नमेंट। नाउ सेकेंडली व्हेन दे से कि मोदी जी की वीकनेस है कि ये बोलते हैं कि शांति चाहिए। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं आज की डेट में, ओरिजिनली इट वॉज सनातन एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, दिस इज फॉर योर ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो, यू शुड नो दैट। अब क्या है कि उसके अंदर हम हमेशा ही शांति की बात करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन शांति एंड पीस। पीस इज नॉट द वर्ड फॉर शांति, हम आज की डेट में इंग्लिश में बोल देते पीस। शांति का मतलब है तुम अपने घर में राजी, मैं अपने घर में राजी, आप भी तरक्की करो मैं भी तरक्की करता हूँ, ये सनातन का एक बेस है। तो ही जस्ट टॉक्स ऑफ दैट, बट ही ऑल्सो सेज मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घुस के मारूंगा। बराबरी की पहले टक्कर नहीं थी चाइना के साथ, आज भारत टक्कर देता है कि तुसी भी अगर अगर आपने भी जाना है वहां पर हाई एंड में, हम भी हाई एंड में जाएंगे, हम टक्कर बराबर की रखेंगे। और इसी बात का डर है चाइना को भी, क्योंकि भारत की जो कॉस्ट है आज की डेट में वो चाइना से कम है, तो उसको डिफेंड करना, चाइना को कंपीट करना भारत के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड दिस इज अ रेस विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लोग बोलते हैं चाइना डूबने वाला है, नहीं है। इंडिया का आपने सुना होगा, और रघु रमन हमारा एक्स आरबीआई का गवर्नर, इंडिया 5% पे भी ग्रो कर जाए तो बड़ी गनीमत की बात है। आज 7.5 पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो बोलते हैं किस्मत थी, ग्रो कर गए, होनी तो नहीं चाहिए थी इतनी। तो ये जो अर्थशास्त्री जिसको बोलते हैं आप इकोनॉमिस्ट, इनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं है, बिकॉज दे टॉक इन एयर। हम लोग यहाँ बैठे इंडस्ट्री को संभालते हैं, सो आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स जो मैंने भारत में देखा है, जो चाइना में देखा है। अब ये टाइगर और ड्रैगन की लड़ाई है, बाकी सब रेस से पीछे हो गए।